अब हम एक ऐसे फनकार की जानिब चल रहे हैं जिसकी शायरी में सलासत, बलागत, फसाहत गरज के उसकी शायरी शायराना तमाम तकाजों को पुर करती हुई आज उस मोड़ पर पहुंच गई है के नाद हो, हमद हो, मनकबत हो, नज्म हो, गीत हो, गरज के शेर सुखन की कोई सी भी सिंफ को बखूबी कहना कहने की और पेश करने की सलाहियत रखता है उस शायर को कहते हैं असलम माजिद जबलपुरी। इस्तकबाल करता हूं कि इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार, इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं शहरे नबी है, और इकबाल इकबाल मैं किस मुंह से करूं मधे मोहम्मद, मुंह मेरा बहुत छोटा है और बात बड़ी है। उसी बड़ी बात को पेश करने के लिए माइक पर असलम माजिद जबलपुरी। चार मिसरे हजरत सुभानअल्लाह शाह की बारगाह में पेश करता हूं, और उसके बाद जैसे कि हुक्म हुआ है सात अशआर नाते पाक के साथ अशआर पेश करूंगा। समाप्त फरमाएं। मुसलसल कई सालों से मेरी हाजिरी यहाँ हो रही है। नहीं, आप ज्यादा पढ़ सकते हैं उस्ताद। नहीं नहीं भैया, वो और होंगे यार बाबा। आइए, ये नाजिम का काम है, अगर लोगों के चेहरे पे हंसी नहीं आई तो निजामत नहीं। क्या बात, ये मुशायरे की महफिलों की जिंदगी के लिए ये जरूरी हिस्सा होता है। आप हजरात चाय पीते जाएं, समाज फरमाते जाएं। मेरा मैं ये कह रहा था कि मुसलसल कई सालों से मुझे यहाँ हाजिरी का मौका मिल रहा है। यकीनन मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे बार बार ये खिदमत का मौका मिल रहा है। आइए अपने जज्बात का इजहार आस्ताने के हवाले से मैं कुछ अंदाज में करना चाहता हूँ। और जो खास तौर से खानकाही मिजाज जो लफ्जियात इस्तेमाल की जाती है, मैंने भी कोशिश की। समाज अर्ज किया है कि सामने सामने क्या आपके खोलू जबां सुबह पिया, बहुत अच्छे। सामने क्या आपके खोलू जबां सुबह पिया, आप पर जाहिर मेरा दर्दे निहां सुबह पिया। बहुत अच्छे। सामने क्या आपके खोलू जबां सुबह पिया, बहुत अच्छे। आप पर जाहिर मेरा दर्दे निहां सुबह पिया। सामने क्या आपके खोलू जबां सुबह पिया, आप पर जाहिर मेरा दर्दे निहां सुबह पिया, आप पर जाहिर मेरा दर्दे निहां सुबह पिया। शेर समाज फरमाए कि आप जिस पर मेहरबान है मेहरबान, आप जिस पे मेहरबान हैं मेहरबान है उस पे रब। वाह। आप जिस पे मेहरबान हैं मेहरबान है उस पे रब, नाज है मुझको है मुझ पे मेहरबान सुबह पिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप जिस पे मेहरबान हैं मेहरबान है उस पे रब, आप जिस पे मेहरबान है मेहरबान है उस पे रब, नाज है मुझको है मुझ पे मेहरबान सुबह पिया। नाज है मुझको है मुझ पे मेहरबान सुबह पिया, नाज है मुझको है मुझ पे मेहरबान सुबह पिया। आई हजरात नाते पाक का मतला पेश करता हूँ। अभी बहुत अच्छे अच्छे मुतरनिम शोरा कलाम पेश कर रहे थे, और तरन्नुम से खूबी तो पैदा होती है, साथ में जो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं उसमें एक अलग रंग पैदा होता है। दिलकश भाई एक अजीब दिलकशी के साथ दिलों को छू रहे थे। मैं यहाँ से यह मतलब पेश करता हूँ कि आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है। आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है, सीने से निकल कर नाते नबी जब होठ तलक आ जाती है। बहुत अच्छे। आवाज निखरने लगती है, लहजे में खनक आ जाती है, बहुत अच्छे। सीने से निकल कर नाते नबी जब होठ तलक आ जाती है, सीने से निकल कर नाते नबी जब होठ तलक आ जाती है। बहुत अच्छे। शेख साहब
और तमाम हुज्जाज इकराम बतौर खास ये मतलब समाप्त फरमाएंगे कि सीने से निकलकर नाते नबी जब होंठ तलक आ जाती है, मतलब उसने मतलब पेश कर रहा हूं कि सरकार का रोजा दिखते ही आंखों में चमक आ जाती है। बहुत अच्छे। सरकार का रोजा दिखते ही आंखों में चमक आ जाती है, दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सरकार का रोजा दिखते ही आंखों में चमक आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बतें आप हजरात की कि सरकार का रोजा दिखते ही आंखों में चमक आ जाती है, दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है, दिल पांव से आगे चलता है। नवाजिश करम मोहब्बतें आप हजरात की। भाई हुक्म हुआ है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ एक बार फिर, ये मतले के लिए हुक्म हुआ है कि सरकार का रोजा दिखते ही, अरे हाजी जी आपकी आंखों में तो ज्यादा चमक है, क्या कहना है। अलहाज सगीर फरोख साहब की दुआएं मिल रही हैं कि सरकार का रोजा दिखते ही आंखों में चमक आ जाती है, दिल पांव से आगे चलता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल पांव से आगे चलता है जब उनकी सड़क आ जाती है, और आका के पसीने की बातें महफिल में कोई जब करता है, सुने महसूस करें, आका के पसीने की बातें महफिल में कोई जब करता है, दिल फूल से खिलने लगता है, सांसों में महक आ जाती है। बहुत अच्छे, आका के पसीने की बातें महफिल में कोई जब करता है, दिल फूल से खिलने लगता है, सांसों में महक आ जाती है, आका के पसीने की बातें महफिल में कोई जब करता है, दिल फूल से खिलने लगता है, सांसों में महक आ जाती है। और ये शेर बतौर खास समाज फरमाए, हम आपके जैसे लोगों में, हाफिज साहब तवज्जो चाहूंगा कि हम आपके जैसे लोगों में बनता है वली अल्लाह वही, हम आपके जैसे लोगों में बनता है वली अल्लाह वही, किरदार में जिसके हल्की सी आका की झलक आ जाती है, किरदार में जिसके हल्की सी आका की झलक आ जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लफ्ज का नाम शायरी होता है, किरदार में जिसके हल्की सी आका की झलक आ जाती है। बहुत अच्छे मजीद भाई, हम आपके जैसे लोगों में बनता है वली अल्लाह वही, किरदार में जिसके हल्की सी आका की झलक आ जाती है। तीन शेर और समाप्त फरमाएं, एक नाते पाक के मेरा हिस्सा पूरा होगा। मतलब पेश कर रहा हूं कि अखलाक में किरदार में, अखलाक से किरदार से मायार से अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अखलाक से किरदार से मायार से अच्छा, किरदार से मायार से अच्छा है कौन भला अहमद मुख्तार से अच्छा, अखलाक से किरदार से मायार से अच्छा है कौन भला अहमद मुख्तार से अच्छा, और वो फूल सा लहजा के पढ़े संग भी कलमा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो फूल सा लहजा के पढ़े संग भी कलमा है किसका तकल्लुम तेरी गुफ्तार से अच्छा। बहुत अच्छे, बहुत। वो फूल सा लहजा के पढ़े संग भी कलमा है किसका तकल्लुम, है किसका तकल्लुम तेरी गुफ्तार से अच्छा। और आखिरी शेर पेश कर, बड़े मुजाहिदाना अंदाज में शेर पेश कर, बहुत अच्छे। है किसका तकल्लुम, है किसका तकल्लुम तेरी गुफ्तार से अच्छा। अब ये शेर आखिरी समाप्त फरमाए, अल्लाह रे ये लज्जत अज़कारे मोहम्मद महसूस करे, अल्लाह बार बार सुनते हैं और क्या हाल होता है हमारा कि अल्लाह रे ये लज्जत अज़कारे मोहम्मद हर बार हमें लगता है हर बार से अच्छा। बहुत अच्छे, अल्लाह रे ये लज्जत अज़कारे मोहम्मद। बहुत अच्छे, अल्लाह रे ये लज्जत अज़कारे मोहम्मद हमें लगता है हर बार से अच्छा, हर बार हमें, अल्लाह रे ये लज्जत अज़कारे मोहम्मद हर बार हमें लगता है
हर बार से अच्छा अल्लाह रे ये लज्जते अज़कारे मोहम्मद हर बार हमें लगता है अल्लाह रे ये लज्जते अज़कारे मोहम्मद हर बार हमें लगता है हर बार से अच्छा हर बार हमें लगता है हर बार से अच्छा आप हजरात की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।